राम रहीम के डेरे की पहली तस्वीरें जी न्यूज पर इस वक्त आपके सामने हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं और ये राम रहीम के डेरे की तस्वीरें हैं। ये डेरा कितना आलीशान है, यहां पर पुलिस पहुंची राम रहीम के पंचकुला में, चर्चा घर में बने राम रहीम के वीआईपी गेस्ट हाउस में कल ये तलाशी ली गई है। टीवी पर पहली बार राम रहीम का डेरा इस वक्त आप देख रहे हैं और इसकी तलाशी ली गई, ये गेस्ट हाउस जहां ऐशो आराम की हर एक चीज भी उपलब्ध है। आपको ये बता दें कि आश्रम के अंदर जो चीजें मिली हैं वो बहुत ही लग्जूरियस हैं, चौंकाने वाली हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो जरूरत से कहीं ऊपर हैं, जो लग्जरी कैटेगरी में आती हैं, वो तमाम चीजें इस गेस्ट हाउस के अंदर मिली हैं तलाशी के दौरान। इस गुफा में गुरमीत राम रहीम के लिए अलग से तैयार होने की जगह भी है और खास लोगों से मिलने का कमरा भी है, यानी कि ये देखिए, ये बेड है, वीआईपी रूम यहाँ पर है, इसके साथ ही एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल लगी हुई है। ये तस्वीरें बहुत आलीशान कमरे की हैं और ये गेस्ट हाउस जिसकी तस्वीरें जहाँ खास लोगों से गुरमीत राम रहीम मुलाकात करता था। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी जगतार भुल्लर दे रहे हैं। जगतार, कुछ तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जी न्यूज पर। सबसे पहले ये आलिशान तस्वीरें राम रहीम के डेरे की तस्वीरें, और इन तस्वीरों को लेकर क्या क्या डिटेल्स हैं? पुलिस पहुंची तलाशी के लिए, क्या कुछ मिला अंदर? देखिए पूर्व में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ पंचकूला का डेरा घर है। अगर हम बात करें सिरसा का तो उसकी तस्वीरें आप उसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि वो कितना आलीशान होगा। जब पंचकूला में डेरा सच्चा सौदा का नाम चर्चा घर की जो तस्वीरें पहली दफा अजीब मीडिया पे दिखाई दे रही है तो उससे बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। और काफी बड़ा ये कह सकते हैं कि डेरा है जो पंचकुला में है, वहां ही आके ये जो डेरा सच्चा सौदा के उन्हें आई थी वो रुके थे और उनको उनका इंतजाम किया गया था वहां ठहरने के लिए। तो ये इतना बड़ा आलीशान डेरा, वहां वीआईपी है, जब डेरा सच्चा सौदा के मुखी वहां आते थे तो इसी डेरे में वो आलीशान डेरे में वो आराम करते थे। और इतना बड़ा कह सकते हैं, जब कल हरियाणा पुलिस डेरे का सर्च किया गया तो काफी कुछ ऐसे नए पहली दफा खुलासे हुए जिससे अंदर बाबा कितना आशी था, कितना आलीशान, कितना महलों में रहने वाला बाबा था, जिसे रंगीला बाबा बोला जाता है। तुझे काफी बड़ी डिटेल अभी धीरे धीरे और भी खुलासे होंगे, लेकिन इस जो आज खुलासा हुआ इस खुलासे से हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बाकी डेरा सच्चा सौदा के डेरे हैं राज्य भर में, चाहे उसमें पंजाब के, हरियाणा में, जहां फिर हम सिरसा की बात करें जो इनका मुख्यालय, तो वो कितना बड़ा आलीशान होगा। शायद ऐसा आलीशान डेरा कहीं दुनिया में और ना मिले जिस हिसाब से हम पंचकूला की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक जगतार, मैं लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव इस वक्त दिखा रहे हैं जी मीडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो आपको लगता होगा किसी आप फाइव स्टार होटल में भी जाएंगे तो शायद वहां पर भी आपको ऐसी तैयारियां देखने को नहीं मिलेंगी, वहां पर ऐसी साजो सजावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये डाइनिंग टेबल देखिए, यहाँ पर राम रहीम जब वीआईपी गेस्ट से मिलता होगा इस गेस्ट हाउस में, नाम चर्चा घर जिसका नाम है, यहाँ पर बैठकर खाना खाता होगा। ये पुलिस की टीम पहुंची थी, देखिए कुर्सियां रखी हुई हैं, ये बेड है, इसके साथ बाकायदा किचन पूरा तैयार है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जी मीडिया पर। ये एक्सक्लूसिव आलीशान गेस्ट हाउस की तस्वीरें। जगतार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।